सो व्हाट्सअप यूट्यूब दिस इज गौतम एंड यू आर वॉचिंग रेसलिंग मैनिया। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे WWE ब्रे वाइट के रिटर्न को बुक करेगी। तो जैसा कि हमने इस पास वीकेंड स्टारगेट के लाइव इवेंट में देखा था कि WWE ने ब्रे वाइट का रिटर्न कराया था, एज अ फेस रिटर्न हुआ था ब्रे वाइट का, मैं आपको बता दूँ। और दूसरा, उन्होंने बैरन कॉर्बन को फेस किया था सिंगल्स कॉम्पिटिशन में, जहाँ पर उनकी विक्ट्री हुई थी। तो अब WWE कैसे ब्रे वाइट को आने वाले वीक्स में बुक करने वाली है, किसके साथ में वो फ्यूड में डालने वाली, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, ब्रे वाइट को एज ए ब्रॉन स्ट्रोमैन के रिप्लेस में यूज़ किया जा सकता है TLC पेपर के लिए। जैसा कि हमें पता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन अब बाहर हो चुके हैं TLC पेपर व्यू से, तो WWE कुछ ऐसा करना चाहेगी बहुत इंटरेस्टिंग, जो फैंस के लिए भी अच्छा होगा और उनकी जो रेटिंग है उनके लिए भी अच्छा होगा। दूसरी चीज़, हम ये देख सकते हैं कि WWE ब्रे वाइट के रिटर्न को एज ए फेस सुपरस्टार करवाएगी, जहाँ पे वो किसी हेल सुपरस्टार के साथ में फ्यूड में होंगे। तीसरी चीज़, हम ये देख सकते हैं WWE के ब्रे वाइट के रिटर्न को बुकिंग को लेके कि वो किसी ऐसे सुपरस्टार में उनकी फ्यूड कराएगी जो पहले से चैंपियन होगा, और उन्हें चैंपियन बनाने के लिए, ब्रे वाइट को चैंपियन बनाने के लिए वो उनको फ्यूड में डाल सकती है। जैसा कि हमें पता है ब्रे वाइट पहले भी वर्ल्ड चैंपियन और टैग टीम चैंपियन रह चुके हैं। तो गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि WWE कैसे ब्रे वाइट के रिटर्न को बुक करने वाली है। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ पहले से ही कि ब्रे वाइट रिटर्न होने वाले हैं और उनकी क्या बुकिंग होगी अब WWE की तरफ से। तो गाइस ये थी मेरी कुछ प्रेडिक्शंस ब्रे वाइट की बुकिंग को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि WWE कैसे ब्रे वाइट का रिटर्न बुक करेगी, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए जब भी मैं ऐसी वीडियोज़ लेके आऊँ तो आपको सबसे पहले वीडियोज़ मिल जाए। सो गाइस बी सेफ एंड टेक केयर एंड बाय बाय।